हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ललिता जी, महारानी जी, देखो तो कौन है। जी महारानी जी, हर हर महादेव। बम बम भोले, हर भोले, हर हर महादेव। महाराज आप कौन हैं? कहां से पधारे? आप किसे मिलने के इच्छुक हैं? हर हर महादेव। इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषि का मार्ग रोकने का दुस्साहस न करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। शिव शिव शिव, ऋषिवर हम पे क्रोधित न हो। महारानी सुनीति के समीप जाने के पूर्व आपका परिचय ज्ञात करना हमारा कर्तव्य है। ललिता दासी, तुम हमारी सिद्ध शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हो। हम तुम्हारे महारानी को उनके कल्याण का आशीर्वाद देने स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पधारे हैं। हमारा मार्ग रोक कर तुम अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही हो। मार्ग से हट जा दुष्टा। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। हर हर महादेव। मनुपुत्र उत्तांगपाद की प्रिय महारानी सुनीति, हम तुम्हारे मन की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। हमारी कृपा पाकर तुम्हारी व्यथा का स्वतः ही अंत हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनो। ऋषिवर, आपकी वाणी में माँ सरस्वती का वास है। मेरे मन की व्यथा का उल्लेख कर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप इस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। कहें, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमारे लिए संसार का कोई भी रहस्य रहस्य नहीं। हमें भली भांति ज्ञात है कि तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल हो, और तुम्हारे स्वामी उत्तांगपाद ने जब तब व्रत पूजा आराधना करके भी देख लिया, किंतु परिणाम हर हर महादेव, हर हर महादेव। महारानी सुनीति, ऋषिवर अपनी इच्छा मात्र से संसार के किसी भी परिणाम को क्षण मात्र में परिवर्तित कर सकते हैं। ऋषिवर, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। हर हर महादेव। ऋणी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। ऋषिवर जो उपाय तुम्हें बताएंगे उसके पालन का तुम्हें वचन देना होगा। हर हर महादेव। ऋषिवर, मैं आपको वचन देती हूँ, युवराज प्राप्ति के लिए आप जो उपाय बताएंगे मैं उसका पालन करूंगी। हर हर महादेव। महारानी सुनीति, तुम घबराहट में वचन देकर हमारे विश्वास का अपमान कर रही हो। हम इस क्षण इस भूमि का त्याग कर देंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महारानी सुनीति, मेरी बात ध्यान से सुनो। युवराज की माता बनने से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप तुम्हें रोक रहे हैं। इसी कारण युवराज की माता बनने का विचार त्याग दो और किसी अन्य स्त्री को युवराज की माता बनने दो। ऋषिवर, किसी अन्य स्त्री को युवराज की माता बनाने का अर्थ है महाराज का दूसरा विवाह कराना होगा। हर हर महादेव। तुम चतुर हो, इसी कारण तुमने हमारा संकेत समझने में एक क्षण का विलंब नहीं किया। किंतु ध्यान रहे महारानी, हमारे बताए उपाय पर कार्य करना प्रारंभ कर दो, अन्यथा परिणाम ना तुम्हारे हित में होगा ना तुम्हारे स्वामी उत्तांगपाद के हित में। ऋषिवर, विधाता मेरी ऐसी क्रूर परीक्षा क्यों ले रहा है? महारानी,
तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप तुम्हारे सौभाग्य में बाधा बनकर खड़े हो गए हैं। क्या तुम स्वयं कनपिला देश को युवराज के सुख से वंचित रखने की इच्छुक हो? नहीं, नहीं। तो शीघ्र ही अपने स्वामी उत्तांगपाद के लिए एक सुंदर रूपवती सौत का तुम स्वयं ही चुनाव करो। इससे निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा, और यदि हमारे आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसे कनपिला देश का सर्वनाश होगा, तुम्हारा कल्याण होगा।